रामनवमी के महापर्व को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह है। रामनवमी समिति शोभा यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत मंडी समिति स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से हुई। रामनवमी पर्व को भव्य रूप देने के लिए शहर के प्रमुख स्थलों में जगह जगह सजावट दिखाई पड़ी। विभिन्न पांडाल व मंडलियों के राम भक्तों ने अपनी मंडली की झांकी को आकर्षक बनाने के लिए अथक प्रयास किए। खुशियों के इस महापर्व के मौके पर भक्तों ने उल्लास उमंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व हनुमान की भक्ति में लीन भक्त पूरे शहर में भगवान श्री राम व महावीर पताकाओं व होर्डिंग से पाट दिया गया। संपूर्ण मुख्यालय शहर राममय हो गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए जगह जगह शरबत पानी चना आइसक्रीम पुलाव छोला राजमा और भी कई चीजों के स्टॉल लगाकर शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का भव्य सत्कार किया। भैया पंकज यादव नाम है अपना, अपना घरडाई रिसोर्ट पे लगातार आज रामनवमी के उत्सव पे लगातार भक्तों के लिए हमारे यहाँ राजमा चावल की व्यवस्था की गई। और जब से भी भीड़ चालू हुई है लगातार भीड़ आ रही है, लगातार पब्लिक आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही है, हमारी माताएं बहनें आ रही है, सारे तरीके के लोग आ रहे हैं, भव्य कार्यक्रम चल रहा है। कैसा उत्साह देखने को मिला युवाओं में, महिलाओं में, छोटे बच्चों में? भैया यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके महिलाओं में पुरुषों में भव्य बहुत ही ज्यादा लोग उत्साहित है, भव्य तरीके से लोग उत्साह मना रहे हैं भगवान रामनवमी को उसमें। और इतनी धूप है उसके बाद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, जबरदस्त उत्साह है यहाँ पे पब्लिक के बीच में। बहुत पूरा नगर जो हमारा महोबा है वो राममय हो चुका है, और वो इसलिए भी है कि प्रभु राम से महोबा का भी बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। जब चित्रकूट में वनवास के दौरान प्रभु राम थे वहाँ पे 11.5 वर्ष, तो उस बीच में वो अक्सर अपने महोबा भी घूमने आते थे। और यहाँ पर राम कुंड और सिद्ध बाबा स्थान पर जो सीता रसोई बनी है गोरागिरी पर्वत पर, वहाँ पर उन लोगों का समय गुजरता था। इसलिए ये पूरा क्षेत्र राम से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम लोग जयराम जी की सुबह उठते बोलते हैं। तो ये आज रामनवमी की पहले से ही पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। कहीं पर जाइए हर चौराहे पर जितने भी स्मारक बने हैं सब में बहुत सुंदर लाइटिंग की गई है, झंडे लगे हैं, और पूरे रास्ते में हर जगह जो है पूरे सजावट की गई है, और लोग बिल्कुल राममय हो चुके हैं। और आज तो माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है। कल तो हम लोगों ने गोरागिरी पर्वत के ऊपर शाम को दीपदान भी किया था, क्योंकि कल प्रभु श्री राम के जन्म की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने वहाँ दीपदान किया था, 1001 दिए जलाए थे और जय श्री राम लिखा था। तो वो पूरा शहर राममय है इस समय, और उन्हीं की आभा से ओतप्रोत है। महोबा से दैनिक भास्कर के लिए हेमंत गोस्वामी की रिपोर्ट।